नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके जिंदगी का नींव है, आपकी पढ़ाई यानी कि स्टडी की। स्टडी एक ऐसा सफर है जो आपको आपके सपनों की मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन इस सफर में अक्सर उतार चढ़ाव आते हैं, थकान भी होती है और मन हताश भी होने लगता है। आज हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं जो शायद आपकी इस सफर को थोड़ा आसान बना सके। पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, स्टडिंग डज नॉट मीन ओनली बुक्स। अक्सर हम पढ़ाई को सिर्फ किताबों से जोड़ देते हैं, लेकिन असल में पढ़ाई बहुत कुछ है। यह जिंदगी की समझ है, दुनिया को देखने का नजरिया है और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश है। जब आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ टॉपिक को नहीं सीख रहे होते, बल्कि अपने दिमाग को तेज कर रहे होते हैं। आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप कर रहे होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को निखारते हैं। सपनों की ताकत, द पावर ऑफ ड्रीम्स। इमेजिन कीजिए, आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं वहां आप खुद को देखिए। वो सक्सेस, वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ आपके पास है। अब सोचिए उस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा। स्टडी उस सीढ़ी का पहला पायदान है। हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। मुश्किलें तो आएंगी, डिफिकल्टीज विल कम। स्टडी का सफर आसान नहीं होता। कई बार आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान ने इन मुश्किलों का सामना किया है। ये मुश्किलें ही आपको मजबूत बनाती हैं। फेलियर जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उन्हें हार नहीं मानना चाहिए। उनसे सीखें और आगे बढ़ें। समय का सदुपयोग, गुड यूज ऑफ टाइम। समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत कीजिए। एक घंटे की स्टडी भी आपको आगे ले जा सकती है। मोबाइल फोन, टीवी, इन सब से थोड़ा दूर रहिए। स्टडी के लिए एक शांत जगह बनाइए और पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीखें। छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बी इन गुड शेप। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। अच्छी नींद लें, बैलेंस डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक हेल्दी बॉडी आपके मन को भी तेज रखेगा। योगा और मेडिटेशन भी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों का साथ, विद फ्रेंड्स। आप अच्छे दोस्त आपके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। साथ मिलकर स्टडी करने से आपकी समझ बढ़ सकती है और आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दोस्ती और स्टडी का बैलेंस बनाए रखें। अध्ययन तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ स्टडी टेक्निक्स। अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग स्टडी टेक्निक्स का यूज करें। कुछ टॉपिक के लिए नोट्स बनाना हेल्पफुल हो सकता है, तो कुछ के लिए बार बार स्टडी करना। अपने लिए सबसे अच्छी टेक्निक ढूंढें। आत्मविश्वास का निर्माण करें, बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सक्सेस की कुंजी है। अपने आप पर विश्वास रखें। याद रखें, आप भी कर सकते हैं। खुद की क्षमताओं पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। लाखों स्टूडेंट्स आपके जैसे ही सफर तय कर रहे हैं। थकान आएगी, हारने का मन भी होगा, लेकिन आप हार मत मानिए। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने गोल पर कॉन्सेंट्रेट करिए और लगातार मेहनत करते रहिए। सफलता आपके कदमों में होगी। सो एवरीवन, अभी के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।